नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम आरोग्य ब्रह्मांड में। और स्टूडियो में अपना कीमती समय देते हुए हमारे साथ मौजूद हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आयुर्वेदाचार्य स्वामी ब्रह्मांड पुरी जी महाराज। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम स्वामी जी से बात करेंगे इंसोमिया यानी कि अनिद्रा के बारे में, जो आजकल काफ़ी आम होता जा रहा है। अगर विश्व की बात करें तो हर घर के पांचवें इंसान को ये बीमारी हो चुकी है, इस बीमारी का वो शिकार हो रहे हैं। अगर बात करें हम इंसोमिया की, तो ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर इंसान को लग जाए तो कई बीमारियां उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी हैं। कहा जाता है कि ये एक ऐसी बीमारी है, या ये बीमारी ही नहीं है, ये कुछ ऐसी बीमारियों का लक्षण है जो हमें बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है, हमें रोगी बना देता है। ऐसी ही बातों के बारे में चर्चा करेंगे आज। इंसोमिया के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे हम स्वामी जी से। तो आइए बात करते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी, आज हमारा टॉपिक है इंसोमिया यानी कि अनिद्रा। तो सर्वप्रथम आप हमारे दर्शकों को बताएं कि नींद है क्या, क्या तात्पर्य है उससे? नींद है क्या और नींद का क्या तात्पर्य है, इसके दो रीजन होते हैं। शरीर के कई स्वरूप हैं, एक स्थूल है, सूक्ष्म है, जागृत है और शाश्वत और नश्वर की भाषा अध्यात्म में बताई गई है। जिस तरीके से आप किसी गाड़ी को ड्राइव करते हो तो उसके रिलैक्स होने के लिए थोड़ी देर खड़ा करना पड़ता, नहीं तो हीट हो जाती है। ऐसे हमारे शरीर में 2,02,02,202 अश्नायु, 72 नाड़ियाँ, ब्रेन में 150 बीटा सेल्स और 6 सिक्वेंसेज हैं। ये 24 आवर्स वर्क करते रहते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएँ करते हैं। प्रकृति ने इसके लिए निर्धारित किया कि भाई आदमी कम से कम 4 घंटे से 5 घंटा ले, यानी इस जीवात्मा की सुप्त अवस्था जिसमें वो मेंटली रिलैक्स लेता है, उसी को हम कहते हैं नींद। स्वामी जी, हमारे दर्शकों को बताइए किन किन कारणों से होती है अनिद्रा? के बहुत सारे कारण हैं और ऐसे ये बताया गया है कि भाई आशा की एक बेटी है जिसका नाम है आतृप्ति। जी बिल्कुल, ये आशा और आतृप्ति ही आदमी को ज्यादातर अनिद्रा, डिप्रेशन, हाइपर डिप्रेशन, सिजोफोर्निया जैसी बीमारियों को लेकर आती है। क्योंकि नींद में छोटा सा आपको बताऊंगा कि जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं और हम अपना वर्क कर रहे हैं, लेकिन इस ब्रेन के दो पार्ट हो गए हैं, तो हमारे ब्रेन के दो पार्ट हो गए तो दो पार्ट में एक पार्ट काम कर रहा है और एक कुछ और सोच रहा है, एक बिफोर के लिए देख रहा है, एक आफ्टर के लिए देख रहा है। तो जिस तरीके से आप एक बात को ध्यान में रखिएगा, अनिद्रा होने के कारण हैं जैसे बहुत ज़्यादा गम हो जाए, बहुत ज़्यादा खुशी हो जाए, या किसी की चाहत हो, या किसी की नफरत हो, किसी की प्रगति हो, किसी का विकास हो या किसी का विनाश हो, किसी को शरीर को लेकर टेंशन है कि मेरी सौंदर्यता कहीं छीण ना हो जाए, किसी को धन और वैभव को लेकर के टेंशन है, तो ये सारी उसकी रीजन है। और काफी अनिद्रा ऐसा हो जाता है जैसे आजकल के युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो व्यसन की तरफ मुँह रख चुके होते हैं कि भाई जैसे ये एक आदमी ने शुरू से स्मोकिंग करना चालू कर दिया है, ड्रिंक करना चालू कर दिया है, या और बहुत सारी लतें लग गई जो हम बोल नहीं सकते। तो जब शांत और एकांत, मतलब अनिद्रा का मतलब है कि इस ब्रेन को, इस दिमाग को जरूरत से ज्यादा काम देना और सुप्त स्वरूप से भी जागृत कल्पना करते हुए किसी भी विषय में गहन चिंतन कर लेना। अब इसका एक रीजन बीमारी भी होता है। मान लीजिए किसी के सिर में दर्द है तो फिर उसको नींद नहीं आएगी। किसी के चिंतन है कि जैसे अब इसमें एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है प्रियंका जी, हार्डली फीलिंग्स होती है। जैसे आप बैठे हैं अपने परिवार में, छोटा सा एग्जांपल कि मान लीजिए एक पत्नी चाहती है कि मेरा पति व्हाइट कलर का शर्ट पहन कर जाए, गलती से उसने ब्लू पहन लिया तो क्या दिख रहे हो चमारों जैसे, कुछ भी व्यंग भाषा बोलती है। अब उसको हार्डली वो फील हो गया, वो कह नहीं सकता, लेकिन अकेले में बैठ करके अपने आप में वो मनन करेगा कि देखिए ये इन्होंने क्या कह दिया। देखिए होपफुल लाइफ जो होती है, जब आदमी होपलेस होता है तो भी ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो चिंता चिंतन इसका सबसे बड़ा निदान होता है और आयुर्वेदिक औषधियों से तो हर चीज़ का निदान होता ही होता है।
जी, मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि दर्शकों तनाव में बिल्कुल ना रहें, और कोई भी परेशानी से अगर आप ग्रसित हैं तो उसका निवारण भी है। आप घर के किसी एक सदस्य के पास जाएं, उनसे अपनी बातों को शेयर करें, तो हो सकता है आपकी परेशानियां दूर हो जाएं या आपको कोई एक समाधान प्राप्त हो जाए। दर्शकों, अगर आपकी भी है कोई समस्या और पाना चाहते हैं उसका समाधान, आप भी रोगी हैं और निरोगी बनना चाहते हैं, तो देर मत कीजिए, हमें फ़ोन कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। स्वामी जी, जो लोग हमसे संपर्क नहीं कर पाते या ये कहें कि आधे घंटे का समय होता है हमारे पास, उनकी कॉल नहीं लग पाती, उन्हीं में से कुछ की हमारे पास लेटर्स आते हैं, मेल्स आती हैं, तो उन्हीं में से एक है प्राची जी कोलकाता से। जी, कहती हैं, मेरे सर का एक भाग बहुत दर्द रहता है, बहुत पीड़ित रहती हूँ, इस दर्द से बढ़ता ही जाता है और ये दर्द मेरी गर्दन तक पहुँच जाता है। जी, काफ़ी दवाइयाँ ले रही हूँ, 2 महीने से मैं इसकी शिकार हो चुकी हूँ, तो कृपया मार्गदर्शन करें किन कारणों से है, क्या आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सेल्फ क्रिएटेड है। जी, तो प्राची जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा ये चिंता का विषय नहीं है। जी, 2 चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। जी, आधे सिर का दुखना, अर्धा सीसी होने का भी संकेत होता है, माइग्रेन होने का भी संकेत होता जी, है जी। लेकिन अगर इसके साथ नींद नहीं आती है, अनिद्रा है, तो मूल कारण वही माना जाएगा, अनिद्रा ही जी। अब इसमें काफ़ी चीज़ें ये होती हैं कि भाई, सुबह से आपने जो वर्क किया है, शाम को शांति का प्रतीक है, आपके घर में सुख शांति चाहिए, ऐसी स्थिति में आपकी जो फैमिली लाइफ है वो कहीं से ना कहीं से अनसेटिस्फाइड होगी। आप उसमें फिजिकली, मेंटली या फाइनेंशियली कहीं ना कहीं से अपसेट हैं, क्योंकि मानव के दुख का मूल कारण, प्रियंका जी, उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताएं होती हैं, समझ रहे हैं? जी जी जी। उसकी एक बढ़ती हुई आवश्यकता है, मान लीजिए कि, और इंसान आज के युग में बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण कोई भी अनैतिक कार्य करने लगता है। जी जी जी। जैसे मान लीजिए कि नेचुरल जो है वो है, लेकिन हमें इससे अच्छा बनना है। अब अच्छा बनना है तो उसके लिए अच्छे कर्म करने की जरूरत होती है। हमारी बढ़ती ही हुई आवश्यकताएं जो है, वही हमारे दुख का मूल कारण है। हम उसी पे चिंतन करेंगे। बिल्कुल। और उस पे चिंतन करते करते, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, शाम को उससे वो जो अपेक्षा रखती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं। उसके बच्चों को, लाइफ को देखना है, इसको भी देखना है, अनसेटिस्फाइड लाइफ है। ऐसी स्थिति में वो अपने पति से कुछ कह भी नहीं सकती। अपने बच्चों के लिए उसे जीना है, और अंदर अंदर वो घुटन करती है जी। तो वो मानसिक तनाव भी जो है ना, अनिद्रा का कारण बन जाता है। तो आप प्राची जी के लिए क्या एक सटीक उपाय बताएं उनको, कि वो किस तरीके से आयुर्वेद में इलाज करा सकती हैं या एक घरेलू उपचार कर सकती हैं? प्राची जी से मैं ये निवेदन करूंगा कि मानसिक शांति से बढ़ करके अनिद्रा का कोई इलाज नहीं है जी। और इसके लिए उनको सबसे पहले ये देखना है कि जो आपके पास है वही आपका है, जो चला गया वो आपका नहीं था, उसके पाने के लिए ज़्यादा चिंतन ना करें। दूसरा ये विषय कहूँगा मैं उनसे कि कभी भी जीवन के अंदर अपनी आवश्यकताओं को इतना ना बढ़ा लें कि हम उसे अधूरा रखें और फिर से दुखी हो जाएं। तीसरा सब्जेक्ट उनसे ये निवेदन करूँगा कि आपने लाखों लोगों को समझा है, हज़ारों को समझा है, माँ को समझा, बाप को समझा, भाई को समझा, परिवार को समझता, लेकिन आपको समझने वाला कोई नहीं है, इसलिए आपको भी यह मानसिकता, मानसिक तनाव का रूप ले रही है। इसलिए आपको एक मोरल सपोर्टर की ज़रूरत है, जो बी काउंसिल, आपकी ब्रेन काउंसलिंग कर सके। कुछ नहीं है तो क्या हम हैं ना आपके साथ, हो जाएगा ना। अच्छा, साथ में हर्बल में इसके लिए ब्राह्मी 1 चम्मच सुबह और शाम लिया करिए, और हमारे यहाँ से तेल मंगवा लीजिए, उससे सिर पे लगाया करिए, आपको पूर्ण रूप से लाभ मिल जाएगा। जी प्राची जी, हम उम्मीद करते हैं कि स्वामी जी ने जो भी आपको उपाय बताए हैं या आयुर्वेदिक दवा बताई है, आप उसको अपनाएंगी तो आपको इस समस्या का समाधान जरूर प्राप्त होगा। स्वामी जी, हम बात कर रहे थे अनिद्रा, इंसोमिया के बारे में, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं वो किन किन कारणों से हमारे जीवन पर आ सकती है, जीवन में प्रवेश कर सकती है, या उसके दुष्प्रभाव क्या है। देखिए, अनिद्रा एक ऐसी बला है जो देखने में बहुत छोटी होती है जी, और हम उसको लाइटली बोल देते हैं कि नहीं यार, जाने दो, कुछ नहीं है। लेकिन अनिद्रा की शुरुआत दैहिक, दैविक और भौतिक 3 कारणों से होती है जी, जो धीरे धीरे जाकर के किसी बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है।
मूलतः जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है ना। जैसे हम शुरू से ही आपका काम करते हैं, शुरू से आपका बचपन में आपको पढ़ाई हो रही है, आप पे प्रेशर है, घर में वो क्लाइमेट नहीं है तो दिमाग पे प्रेशर आ जाता है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, हमने भी देखा है कि भाई पढ़ाई का प्रेशर है और वो दिमाग में सोचते सोचते हमें नींद नहीं आती है। फिर उसके लिए व्यक्ति क्या करता है कि भाई नींद नहीं आ रही तो चलो पेन किलर खा लेते हैं, शायद उसके वजह से दर्द हो रहा। फिर और कुछ होता है तो धीरे धीरे वो क्या करता है कि चलो हम मेडिसिन खा लें, नींद की गोलियां खाने लगता है। नींद की गोलियां खाने के बाद उसको इतने साइड इफेक्ट है कि माना कि परमात्मा की दी हुई आयु उसकी 90 साल है और अगर उसने इनका सेवन कर दिया तो डेली 2 घंटे उसकी उम्र कम हो जाती है। जी जी जी, समझ रहे आप मेरी बात? बिल्कुल। अगर आप उसको एक डोज खाया, 2 खाया 3 खाया, बाद में ये स्थिति बन जाएगी कि भाई अब हम अगर नहीं खाएंगे तो नींद ही नहीं आएगी, तो शरीर डिमांड करने लगा कि मुझे और चाहिए और चाहिए। जी जी। इसी तरीके से घर में कंट्रोवर्सी है, फैमिली अनसेटिस्फाइड है, आप अपने जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपकी अर्निंग कम है, तो फिर आपके घर में आते ही कंट्रोवर्सी होगी तो आप ड्रिंक्स करने लगते हैं। अगर आदमी ने ड्रिंक करना चालू कर दिया है तो धीरे धीरे वो शराब नहीं पी रहा है, शराब उसको पी रहा है। वो कहते हैं ना, आए थे हम भोग भोगने और भोग ने हमको भोग लिया। ठीक है जी, इस स्थिति में ड्रिंकर बनते 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 उसको लीवर सोरायसिस भी हो सकता है, अल्सर भी हो सकता है, लीवर में कैंसर भी हो सकता है और उसके संपूर्ण जीवन विनाश की ओर चला जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसमें यवन छीण हो जाता है, व्यक्ति नपुंसकता की ओर चला जाता है। स्वामी जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं अनिद्रा इंसोमिया के बारे में, तो डॉक्टर्स लोगों को प्रेफर करते हैं कि आप जब ज़्यादा ही ये समस्या बढ़ जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप ये नींद की गोली ले लीजिए, आपको इतने दिन की राहत मिल जाएगी, आप ये नींद की गोली ले लीजिए, इतने दिन में ये एक सिस्टम बन जाता है हमारी बॉडी में, वो प्रवेश कर जाता है और हमें उसकी आदत पड़ जाती है। तो क्या ये उचित है कि नींद ना आने के कारण हम नींद की दवाइयाँ लें? नहीं, बिल्कुल मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। 2 चीज़ें होती है जीवन में जी। अगर आपको मानसिक संतुष्टि मिल गई है तो आपको बहुत आराम से खुले हुए आसमान के नीचे जमीन में बिछे हुए पतले से बोरी पे भी नींद आ जाएगी जी। और अगर आपकी मानसिक संतुष्टि नहीं है तो सारी सुख सुविधाओं युक्त घर में भी आपको नींद नहीं आएगी। बिल्कुल, नींद का पूरक सिर्फ मानसिक संतुष्टि है, जिसमें फाइनेंशियल जो है ना, आर्थिक और शारीरिक, ये दोनों इसके पूरक हैं। पैसे का रोल बात, स्वाद, वक्त और बेवक्त तक ही होता है। एक पुरुष अपनी महिला को, अपनी स्त्री को, अपने माँ को, अपने बच्चों को खूब दौलत दे दे, महल दे दे, बंगले दे दे, लेकिन वास्तविकता अगर देखा जाए तो एक पति का दिया हुआ बंगला, सोना, रुपया, वो पत्नी का सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। वो सेक्रीफाइस करती है और कुछ कह नहीं पाती अपने पति के आगे, और उस चीज़ को अंदर अंदर सोचते सोचते उसको डिप्रेट हो जाता है। तो मूल रूप से सारे दर्शकों से मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा आज। मानसिक तनाव तभी उत्पन्न होता है जब हम अपनी आवश्यकताओं से अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा लेते हैं जी। अपनी हैसियत से ज़्यादा हम भौतिक सुखों की ओर चले जाते हैं जी, हम ड्रीम्स लाइफ जीने लगते हैं। हमारी एक पुस्तक है, अगले महीने तक शायद आ जाएगी, व्हाट इज द लाइफ लिखा है मैंने जिसमें मैंने लाइफ के 3 पार्ट बनाए, ड्रीम लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ एंड इमोशनल लाइफ जी। तो हम लोग कौन सी लाइफ जी रहे हैं? ड्रीम लाइफ। लेकिन ड्रीम लाइफ के लिए जब हम कल्पना करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ रियल में हो रहा है। उसको हम बोलते हैं सुप्त अवस्था शरीर का, मतलब सूक्ष्म अवस्था होती है। इस तरीके से आप ड्रीम लाइफ में जीते चले जा रहे हो। अब ड्रीम मतलब ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आप मतलब ये कह दूं कि बचपन में इंसान पैदा होता है ड्रीम को लेकर के, पहले वो भागता है, दौड़ता है, इसी धन दौलत को कमाने के लिए रुपया कमा लेता है जी। बाद में इसी रुपये को अपनी बीमारियों पर लुटा देता है, कहानी शून्य से शून्य पर आकर स्थिर हो जाती है जी। इसलिए पूर्ण रूप से मानसिक संतुष्टि जिस चीज में मिलती है वही कार्य आपको करना चाहिए। समाज की ठेकेदारी लेकर के आपको कुछ नहीं मिलेगा। समाज तो आज भी है, कल भी है, उसको तो कहना है, माँ बाप की सेवा करो तो बोले श्रवण कुमार हो गया, पत्नी की सेवा करो तो बोलेंगे लुगाई का गुलाम हो गया,
परमार्थ करने जाओ तो कल भीख मांगेगा, रोटी कौन देगा। वास्तविकता में अनिद्रा का सबसे बड़ा निदान है आपके परिवार में पीसफुल क्लाइमेट, एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेना, तन और प्राण के जैसे रहना। अगर किसी के सिर में दर्द है तो बुखार हमको हो जाए, ये भाव जहाँ है वहाँ निद्रा कभी नहीं होगी। जी, मैं भी अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी, दर्शकों तनाव से दूर रहें, परेशानियों से ना जूझें, हर परेशानी का हल है, हर परेशानी का समाधान है। अगर आप भी कोई समाधान चाहते हैं, या आप भी रोगी हैं और निरोगी बनना चाहते हैं, या आप भी इंसोमिया के शिकार हैं, तो फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। स्वामी जी, अगर हमने अब खोला ही है ईमेल का पिटारा, तो उसमें एक और मेल आई हुई है हमारे पास राहुल जी की, हैदराबाद से। जी, कहते हैं, मेरे पैरों में काफ़ी दर्द रहता है, एक टांग सुन हो जाती है जी, काम करना बंद कर देती है, ना कोई काम कर पाता हूँ, ना चल फिर पाता हूँ। इस तरीके से मेरे व्यापार पर भी असर हो रहा है, इलाज करा रहा हूँ पर मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। क्या आपके यहाँ आयुर्वेद में मेरे लिए कोई उपाय है, कोई उपचार है? जी, हमारे यहाँ राहुल जी, आप चिंता मत करिए, चिंता मुक्त हो जाइए। और आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिंदगी एक पैगाम है, संघर्ष जिसका नाम है, इसे घबराना नहीं चाहिए, है ना। तो ये जो आपके हाथ पैर में दर्द या इसका सूनापन है, इसका एक रीजन अनिद्रा भी हो सकता है, इसका एक रीजन ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंक करना भी हो जाता है। जी। जब हम किसी विषय पे जरूरत से ज़्यादा चिंतन करते हैं तो हमारे ब्रेन लार्वाज जो बनते हैं वो वीक हो जाते हैं, हमारे हार्मोन्स पॉइंट वीक हो जाते हैं, टी सेल्स डिफ्यूज होने लगते हैं, और हमारे शरीर के जितने भी वेरिकोज वेन्स हैं वो रिटेन्स हैं। तो अगर हाथ और पैर सूना पड़ रहा है तो नो डाउट कहीं ना कहीं आपकी नस दब रही है, आपके नसों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, जिसका रिलेशन ब्रेन से और स्पाइनल कोड से है। या तो आपके स्पाइन कोड में L4, L5, L1 कहीं गैप है, या तो फिर आपके ब्रेन से किसी नसों में सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप मानसिक शांति से रहिए, जितना ईश्वर ने दिया उसमें संतुष्ट रहिए, बाकी जब वो देगा तो सब मिल जाएगा। और गद्दे पे छोना छोड़ दीजिए, आप नंगे पैर थोड़ा घुमा करिए, और 1 लीटर पानी में नीम का पत्ता, 1.5 चम्मच हल्दी, शहद और नमक, ये डाल करके गर्म करिए, और उसी गर्म पानी से आप पैरों की सिकाई चालू करिए, तब तक आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी जी। और बाकी हमारी औषधियाँ आप मंगाएंगे तो 100% आपको इससे रिलीव हो जाएगा, क्योंकि ये सारी बीमारियों का रिलेशन सीधा मानसिकता से होता है। अगर कई बार क्या होता है प्रियंका जी, कि आदमी दुखी हो गया जी, यहाँ से दबा लिया, यहाँ से दबा लिया, वहाँ से दबा लिया, तो निगेटिव हो जाता है जी। उसके ब्रेन में पॉजिटिव एनर्जी रह ही नहीं जाती, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा। तो उसके लिए आप एक नारा बना लीजिए कि भाई नेगेटिविटी आउट और पॉजिटिविटी इन, ये भाव बना करके चलिए। कई बार होता है कि भाई पति और पत्नी दोनों साथ में, पत्नी ने एक लाइफ गुजारा है, उसको निराकरण सबके साथ अच्छा करते हुए भी तू ही जिम्मेदार है, तू ही जिम्मेदार है, तो उसके सामने अगर कलेजा फाड़ के रखेंगे, बताना मैं तेरे साथ हूँ, बोले कोई भरोसा नहीं, हमें तो साबित करना पड़ता है कि हुआ आई रहे मैं जी, ये सब हमें तो साबित करना है मैं कौन हूँ जी, इससे कोई मीनिंग नहीं होती है। इसलिए मानसिक संतुष्टि ही अनिद्रा का सबसे बड़ा इलाज है। तो स्वामी जी, राहुल जी के लिए आप ये बताएं कि आपके सतगुरु सेवा केंद्र में उनकी बीमारी के लिए कौन सी दवाई उपलब्ध है जिसको वो आपके यहाँ मंगाएं? सतगुरु जन सेवा केंद्र में उनके लिए, एक तो उनको थोड़ा सा जो मैंने प्रक्रिया बता दी तब तक कर सकते हैं जी। और इसके लिए हमारे यहाँ पर इम्यूनिटी पावर डिफेंसिव मेडिसिन है जी, और ब्लड को पतला करके सर्कुलेट करने के लिए दवाइयाँ हैं, मालिश के तेल है, और ब्रेन लार्वा जनरेट करने के लिए कुछ मेडिसिन है। वो कॉल सेंटर पर फोन करेंगे, उन्हें पूरी जानकारी मिल जाएगी जी। स्वामी जी, हम बात कर रहे थे अनिद्रा, इंसोमिया के बारे में, तो कुछ लोगों में देखा जाता है कि ये बीमारी पहले से ही होती है, या यूं कहें कि वो किसी बीमारी से पीड़ित नहीं होते हैं, पर फिर भी उनको ये बीमारी लग जाती है, उसका क्या कारण है, ये क्या जेनेटिक प्रॉब्लम है? अगर आज तक आपने कभी सुना हो कि मेरे पिताजी को रात में सोते टाइम नींद नहीं आती थी, इसलिए मुझे भी नहीं आ रही है, ऐसा कभी नहीं होता है। अनिद्रा का मूल कारण जो है, अब जैसे आपको बता देना चाह रहा हूँ मैं, कि जैसे मैं बैठा हूँ आपके साथ, ठीक है, और यहाँ बैठ करके मैं वर्क कर रहा हूँ, और वर्क करते करते
हमारे दिमाग में आ गया कि भाई मुझे कहीं और जाना है, तो हम एक ही समय पर दोनों चीजों को ध्यान में ले रहे हैं, और अगर हम दोनों चीजों को ध्यान में ले रहे हैं तो ब्रेन कन्वर्ट हो गया। अब ये इसमें दो पार्ट बन गए ब्रेन के, कुछ सेल्स इस पे काम कर रहे हैं और कुछ सेल्स उस पे काम कर रहे हैं। 7 साल के बच्चे में भी अनिद्रा का प्रॉब्लम आ जाता है, 12 साल के बच्चे में भी आ जाता है, और 25 साल की कन्या में भी आ जाता है, और 80 साल के बुढ़े के भी मन में ये चीज आ जाती है कि मुझे नींद नहीं आती। बट नींद क्यों नहीं आती है? 7 साल का बच्चा है जी। उसको आहार नहीं है, उसके पेट में कीड़े बन गए, उसके पेट में कीड़े हैं, वो उसके पेन से नहीं सो पा रहा है। डॉक्टर को उसके लिए नींद के लिए इंजेक्शन दे दिया, नींद की टेबलेट दे दिया, वो उसका निदान नहीं है, बल्कि उसका निदान है कि ऐसी दवा दी जाए उसके पेट के कीड़े मर जाए तो अपने आप सो सकेगा। 12th में बच्चा गया है, 12वीं पास करने के लिए बच्चा स्कूल जा रहा है, उसकी ड्रीम्स है, क्योंकि हमारी हैसियत भले ही कैसी है लेकिन वो बाहर जाकर अपने आसपास के माहौल को फेस करता है, और उसमें कहीं ना कहीं वो अपने को भीग पाता है कि भाई मेरे लोग, मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेरे लोग ऐसे हैं, इनके पास ये, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। वो चीज अपने माँ से भी नहीं कह सकता है, बाप से भी नहीं कह सकता, स्टेटस सिंबल देख रहा है कि भाई उसके पास तो ऐसी चीज है, सुख सुविधा मेरे पास नहीं है, तो ना माँ से कहेगा ना बाप से कहेगा। अकेले अकेले बच्चा उस ड्रीम को सोचते सोचते उसके दिमाग पे प्रेशर रहता है, तो फिर वो अनिद्रा हो जाती है, वो रात को सो नहीं पाता, नींद नहीं आती है। लेकिन उसका साइड इफेक्ट, उसकी स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, और ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ बंदा अगर एक बार निगेटिव हो गया ना, तो लाइफ में कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। दर्शकों, यही बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि तनाव से दूर रहें, परेशानियों से दूर रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी रोग छू तक ना पाए, आप किसी रोग के शिकार ना हो पाएं, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है परेशानी को अपने से 100 कोस दूर रखें, घर का वातावरण सुखमय बनाएं, हंसी खुशी का माहौल रहे, और अगर कोई भी बात आपके दिमाग में है, मन मस्तिष्क में है, तो आप हमारे केंद्र पर भी आके संपर्क कर सकते हैं, आप स्वामी जी से शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है कि बात, अपनी बात शेयर किससे करें, हम इसका समाधान कैसे पाएं, तो कॉल करें हमें उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। स्वामी जी, हम बात कर रहे हैं इंसोमिया, अनिद्रा के बारे में, तो आप हमारे दर्शकों को अब ये बताएं कि अगर अनिद्रा का वो शिकार हो चुके हैं तो उनको कौन कौन सी बीमारियां घेर सकती हैं? देखिए, अनिद्रा से आपको बीपी अप डाउन हो जाएगा जी, अनिद्रा अगर है तो आपकी यवन शक्ति छीड़ हो जाएगी जी, अनिद्रा अगर है तो आपका क्रिएटिन बढ़ जाएगा, अनिद्रा अगर है तो मस्कुलर पेन होने लगेगा, और धीरे धीरे ये सारी एक ढेर सारा समूह लेकर चले आएंगे, जिसमें आपके सारी, मतलब होता क्या है कि वन साइडेड हमारे बीटा सेल सीक्वेंस से वर्क करने लगते हैं तो ये हैंग हो जाते हैं। तो सुनिए मेरी बात को प्रियंका जी, जी, जी। परेशानियों को दूर नहीं रख सकता एक इंसान, क्योंकि ये कहा गया है कि हरि की कथा और ये संसारी जीवों के प्रपंच की व्यथा कभी खत्म ही नहीं हो सकती, बट उसको आप समझ के चलिए, उसके रीजन को हो जाएगा, हम कर लेंगे। और ये सारी चीजों की पूरकता एक परिवार से शुरू होती है, माँ से, बेटे से, पति से और पत्नी से। आजकल ऐसा सिचुएशन है कि एज फॉर्मेलिटीज, हमारे यहाँ इंडिया में तो खैर कम है जी, बाकी जगह तो एज फॉर्मेलिटीज ही हम पति पत्नी दिखावे के लिए होते हैं, हार्डली हम एक दूसरे के पूरक नहीं हो पाते हैं, जबकि परिवार में तन और प्राण की व्यवस्था है, जबकि दोनों चाहते हैं कि हम संसार को अच्छी तरीके से चलाएं, तो कहीं ना कहीं कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, तो कहीं मेंटली प्रॉब्लम है, तो कहीं भौतिक चीजों का प्रॉब्लम है। इसलिए मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि आप अपने आप को जानिए कि आपका दायित्व क्या है, और अगर आप अपने दायित्व को पूर्ण रूप से निर्वाह करेंगे तो परिवार के लोग भी आपके प्रति उतने ही सिंपैथ हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि समाज में, आपके परिवार में आपकी एक सम्मानजनक व्यवस्था हो, तो थोड़ी देर के लिए उनकी आंखों से खुद को देखो कि वो आपसे क्या अपेक्षा करते हैं। अगर ऐसा क्लाइमेट आपके यहाँ बन जाता है तन और प्राण के जैसा, तो या निद्रा जैसी बीमारियां आपको नहीं होंगी। स्वामी जी, अब हम आते हैं आयुर्वेद पे। अगर बात करें आयुर्वेद की, आयुर्वेदिक उपचार की, तो आपके संस्थान में या आप जो आयुर्वेदिक दवा लोगों को प्रेफर करते हैं, देते हैं उनके रोगों को दूर करने के लिए, तो इंसोमिया यानी कि अनिद्रा जैसी बीमारी पर उनका आप किस तरीके से उपचार करेंगे? क्या आयुर्वेद इंसोमिया अनिद्रा जैसी बीमारी को दूर करने में कारगर है? देखिए,
आयुर्वेद। जी तो आयुर्वेद का मूल नाम इसीलिए है कि यह आयु को बढ़ाता है। जी आयुर्वलः यशोवर्चः प्रजापाशूनि वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञाम नो देहि त्वम देहि वनस्पति। जी बाकी अनिद्रा की अगर बात करते हैं तो हमने ऐसे ऐसे रोगियों का फ्री में इलाज किया है। एक बार मैं गुजरात में था कहीं, जी तो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली आए, बोले स्वामी जी मेरे को है ना आधे सिर में ही दर्द होता है और करीबन 40 साल हो गया, कई 1000 रुपया लग गए मेरे। मैंने उसको छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा तू एक काम कर मेरे पास आ जा। बुलाया उसको उसी तरीके से, उन्हें बोला क्या करना, मैंने इनको सुबेरे के टाइम 4 बजे से और 5 बजे तक कुछ मत करना, खुले पार्क में ले जाना या घर के अंदर बैठा करके जो म्यूजिक ये सुनना चाहे, कोई जरूरी नहीं है कि आध्यात्मिक गीत या जो भी, उस गाने को सुनने में लगा देना, ठीक हो जाएंगे। सामने वाली बहुत बड़ी पार्टी थी, उसको लगा स्वामी जी गुमराह कर रहे हैं। वास्तव में 15 दिन बाद आया, बोला मेरा सिर का दर्द खत्म हो गया, क्योंकि उस ब्रेन में जो चीज वो सोचा उस ब्रेन को कन्वर्ट कर देना ही इसका इलाज है। जी बिल्कुल। एलोपैथ में जो हम दवा दे रहे हैं वो ड्रग्स दे रहे हैं, स्टीराइड्स दे रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहा है, बट उसको लग रहा है कि मुझे रिलैक्स हो गया। तो हमारी यहाँ पर इसकी अनेक प्रक्रियाएं हैं, जैसे ओंकार की नाद से, संगीत से, जी सत्संग से, औषधियों से, हम उसको थोड़ी देर के लिए वहां पर धीरे धीरे उस प्रपंच से हटा देते हैं कि वो दुनिया अलग है। मतलब यूं कह सकते हैं कि उस दरवाजे से बकरी आती है और इधर से शेर बन के निकलती है। मतलब हम उसके रूप तो नहीं बदल सकते, लेकिन जी उसकी पॉजिटिव एनर्जी और एटीट्यूड इतनी हाई कर देते हैं, और यही चीजें दवाइयों से करानी होती हैं। अगर आदमी सत्संग से नहीं आए तो उसको भी ब्राह्मी है, आंवला है, बहुत सारी मेडिसिन को जी देकर या शिरोधारा करवा करके ठीक कर देते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को इंसोमिया अनिद्रा जैसी वह घातक बीमारी से दूर कराने का एक सार्थक प्रयास किया है, रोगियों को निरोगी बनाने का एक प्रयास किया है। जी बहुत जी बहुत शुक्रिया, बहुत जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी रोग के शिकार हो चुके हैं, किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं और उसका कोई उपचार आपको नहीं मिल पा रहा है, तो परेशान ना हो, चिंतित ना हो, हताश ना हो, उम्मीद बिल्कुल ना छोड़ें और अपने अंदर एक पेशेंस की स्थिति पैदा करें कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तो दर्शकों आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही, अब कार्यक्रम का अंतिम चरण है, अब मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। आरोग्य ब्रह्मांड, हमारा नंबर है 8010811811। बैंक अकाउंट नंबर है 02612000008481। कोटक महिंद्रा। IFC कोड है KKBK0000261। JMD रीजेंट स्क्वायर। हमारा पता है सतगुरु जनसेवा केंद्र, सतगुरु फार्म हाउस ऑपोजिट मारुति गेट नंबर 1, दिल्ली रोड गुड़गांव। पिन है 1220001।